राजद के बारे में लोगों की अवधारणा होती है कि ये बिहार की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, यहाँ सिर्फ यादव लोगों की ही बढ़त है, उन्हीं को टिकट मिलेगा, उन्हीं को पद मिलेगा। झारखंड गठन होने के बाद तो आरजेडी का सीट लगातार घटता गया है। अभी सिर्फ यहाँ पर एक विधायक हैं और वो मंत्री बनाए गए हैं, सरकार में आप साथ हैं, तो आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ेगा। नीतीश कुमार को नतमस्तक होना पड़ा, समझे? वो तेजस्वी बैठक हुई थी जी, वो तेजस्वी यादव की देन थी कि उन्होंने कहा नहीं जाति जनगणना पे करना होगा, तो उनको भी बैकफुट पे जाके करना पड़ा और दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठकें। जोहार, नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। आज हम राजनीति की बात करेंगे और राजनीति के ऐसे सक्सेस से बात करेंगे जो बिहार की पार्टी होते हुए भी झारखंड में अपना प्रसार बेहतर तरीके से कर रही है और यहाँ युवाओं में जोश भरने का भी काम कर रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए राजीव झा जी हैं, जो युवा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। जी जोहार। सबसे पहले तो बधाई कि जब से आप झारखंड का कमान संभाले हैं तब से युवा राजद काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम करते जा रहा है, इरादा क्या है? सबसे पहले तो धन्यवाद। दूसरी चीज़ देखिए, राष्ट्र जनता दल झारखंड और बिहार, ऐसा नहीं कि हम बिहार में ही हैं, झारखंड में भी शुरू से ही हमारा संगठन रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। और चूंकि हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, आपको बता दें, कुछ जो फासिस्टवादी जो ताकतें थीं उनको रोकने के लिए हम लोगों ने कंप्रमाइज़ किया कुछ चीज़ों पे। और राष्ट्र जनता दल का अगर आप देखिएगा झारखंड में, हर घर हर एक जगह आपको राष्ट्र जनता दल का वोटर मिलेगा, ठीक है? जहाँ तक आपने कहा कि युवा राजद अभी एक्टिव हुए हैं, ये बात सच है कि हमारे जब से निरंजन यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, कई जिला का दौरा कर रहे हैं, जो लोग कुछ इन एक्टिव में थे वो एक्टिव हुए हैं। अभी संताल में भी आप लोगों का कल लगातार दौरा जी, था जी। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की बहुत ही अच्छी उपस्थिति होगी और हमारे जो आला कमान हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, पूरी फोकस अभी झारखंड पे हम लोग दिए हुए हैं, ये बात सच है। काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, मेन चुनौती क्या लगता है? देखिए, मेहनत तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, मेहनत के बिना। चुनौती की बात करते हैं तो जहाँ तक मुझे पता है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, राजद के बारे में लोगों की अवधारणा होती है कि ये बिहार की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, यहाँ सिर्फ यादव लोगों की ही बढ़त है, उन्हीं को टिकट मिलेगा, उन्हीं को पद मिलेगा। आप क्या समझते हैं, इस सोच को आप कैसे बदलेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तेजस्वी जी के नाम पे बुलो मंडल जी के नेतृत्व में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, झारखंडी नहीं, महाराष्ट्र में हमारी संगठन बहुत मजबूत है बॉस, उत्तर प्रदेश में हमारी संगठन बहुत मजबूत है, केरला में हमारी संगठन मजबूत है, तो संगठन हमारी हर एक जगह मजबूत है। ये नहीं है कि हम सिर्फ बिहार और झारखंड। जहाँ तक आपने बात किया कि यादवों का, देखिए ये एक तरीके से आरजेडी को बदनाम करने के लिए ये गलत प्रोपेगेंडा अपनाया गया। आरजेडी में ए टू जेड सभी लोगों का मान सम्मान हमेशा मिला है, आज नहीं शुरू से हमेशा मिला है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता होगा कि हमारे संगठन में कौन कौन है। झारखंड गठन होने के बाद तो आरजेडी का सीट लगातार घटता गया है, अभी सिर्फ यहाँ पर एक विधायक हैं और वो मंत्री बनाए गए हैं, सरकार में आप साथ हैं, तो आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ेगा? निश्चित तौर पे बढ़ेगा ये आंकड़ा।
और आने वाले समय पे झारखंड में हम बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग इस बार अपने स्वाभिमान से समझौता राष्ट्रीय जनता दल नहीं करने जा रही है, ठीक है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभय सिंह जी, प्रधान महासचिव संजय यादव जी बनाए गए हैं, वो लोग मेहनत कर ही रहे हैं। हमारे जो युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी घूम ही रहे हैं। गठबंधन में हम लोगों की पहले से इस बार अच्छी स्थिति रहेगी। आपकी पार्टी जो है हमेशा पिछड़ों के हित की बात करती है। यहाँ जब चुनाव लड़ा गया था तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो ओबीसी आरक्षण को लेकर मुखर होकर एजेंडे में शामिल किए थे। 2 साल हो गया आपकी पार्टी सरकार में है, अभी तक आपकी सरकार यहाँ पर इस पर कुछ नहीं किया। कुछ दिन पहले भी आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री से जो है मुलाकात हुई है जाति जनगणना उस पर, और मुखर होके माननीय नीतीश कुमार को नतमस्तक होना पड़ा, समझे। वो तेजस्वी बैठक हुई थी जी, वो तेजस्वी यादव की देन थी कि उन्होंने कहा नहीं जाति जनगणना पे करना होगा, तो उनको भी बैकफुट पे जाके करना पड़ा और दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठकें हुई है। जाति जनगणना अलग है, हम ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं जो चुनावी एजेंडे में शामिल। मैं उसी पे आता हूँ, ठीक है ना, करना पड़ा वो, ठीक है ना। पहले स्थिति क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जहाँ तक आरक्षण की बात है, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इसकी पक्षधर रही है और देखते हैं आगे। तो क्या लगता है अगर जातीय जनगणना होता है, जो यहाँ पर ओबीसी आरक्षण 27% मांगा जा रहा है, अगर जातीय जनगणना हो जाता है तो ये ऊपर नीचे हो सकता है और एजेंडा बदल सकता है? देखिए, हमारा सिंपल से मांग है, जिसकी जितनी भागी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मांग है। और क्या फ़ायदा होगा जातीय जनगणना के लिए, क्यों आप इतना मुखर होकर लड़ रहे हैं? देखिए, अभी भी जो है आप थोड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी से अगर आप गांव की ओर जाए, अभी भी जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज़ को घुमा रही है जलेबी की तरह, ठीक है, और रिप्रेजेंट सही से कर नहीं पा रही है। जनता के बीच में डाइवर्ट करके हिंदू का मुद्दा, मुस्लिम का मुद्दा, वो तालिबान तो अफगानिस्तान तो ब्ला ब्ला लेके चल रही है। तो लेकिन हम लोग अभी, जनता भी समझ गई है कि नहीं, जो स्थिति है, ज़रूरत है इस चीज़ का, होगा उस पर। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पार्टी जनता के साथ जुड़कर अच्छे काम करें और जनता के हित की सोचें और जनता की बातों को आप समझें और आगे लेकर चलें। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे थे राजीव झा जी से, जो राजद के एक अच्छे मुखर नेता हैं और झारखंड के प्रभारी भी हैं और यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके मॉनिटरिंग में युवा राजद जो है वो बेहतर काम भी कर रहा है। ऐसे ही सक्सेस से आपको और भी मुलाकात कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए लोकल खबर।